आज माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षतार राज्य कैबिनेट गोटे गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो जाए। उक्त बैठक में मुख्यतः राज्यर वर्तमान कोविड परिस्थिति विषय आलोचना करागला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तरफ कैबिनेट को राज्य सरकार तरफ निया विभिन्न पदक्षेप विषय अवगत करागला। सर्वप्रथमे कैबिनेट कोविड महामारी विरुद्ध आम जो कोविड योद्धा माने निष्ठा एवं त्याग मनोभाव नहीं काम कर चलचंती रोगी मानकर सेवा कर चलचंती ताको राज्य कैबिनेट भूयसी प्रशंसा कर चंती। ता छड़ा कोविड विरुद्ध चलता लड़ाई में राज्य सरकार को संपूर्ण सहयोग दे विशेषतः टेस्टिंग ट्रेसिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम एवं लॉकडाउन एवं शटडाउन सब नियमावली मानुथिबारु सारा ओडिशावासी को कैबिनेट साधुवाद साधुवाद जनाइछन्ति। भविष्य में कोविड संक्रमण रो राज्यवासी को रक्षा करिया पई राज्यवासी अमूल्य जीवन रक्षा पई टीकाकरण जे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण ताहा आज कैबिनेट हृदयंगम कर इज्राएल पर देश में अधिकांश नागरिक को से माने टीकाकरण कला वर्तमान से देश सब स्वाभाविक अवस्था को चली आसे। आम राज्य में देखु आम जो डाक्तर एवं स्वास्थ्यकर्मी अन्न्य कोविड योद्धा मैंने जो मैंने दुईटी डोज वैक्सीन नहीं आगर से मैंने वर्तमान बहुत विपदपूर्ण स्थान रे काम कले से साधारण आउ कोविड होना जदि ताले अति सामान्य लक्षण देखा जमापड़ी टीकाकरण ही कोविड दाव रु आम समस्त रक्षा कर पारे और भविष्य में जो कोविड रो विभिन्न लहरी आसब सामना कर तेणु जिते शीघ्र आम राज्यवासी को टीकाकरण समस्त को टीकाकरण मुख्य भाग में आज डिस्कशन करागला। यही परिप्रेक्षी में ओडिशावासी टीका संग्रह निमंत सर्वोत्तम चेष्टा करिबा एवं टीका जोगाण को सुनिश्चित कर राज्यवासी को सुरक्षित रखिबा एवं शीघ्र राज्य में स्वाभाविक अवस्था फेर आने पर राज्य सरकार संकल्पबद्ध एवं से कैबिनेट राज्य सरकार को परामर्श देला। यही उद्देश्य रे ओडिशावासी जपरे शीघ्र टीका पाईपर से ग्लोबल टेंडर माध्यम रे विश्वर प्रमुख टीका कंपनी टू टीका आने पर ग्लोबल टेंडर करा से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अनुमति दिगला। आमर विपद संकुल जनसाधारण शीघ्र टीकाकरण एवं लोकंर जीवन जीविकार शीघ्र समाधान पाई एवं पुनस्थापन पुनस्थापनपे शीघ्र आम स्वाभाविक अवस्था फेर से विषय एक बैषयिक कमिटी गठन करा एवं करते शीघ्र टीका बाहर देशर बाहर कंपनी मानक अणा जा कैबिनेट मध्य यह डिसाइड कले जेहेतु टीका उपरे वर्तमान विभिन्न प्रकार टैक्स अच्छी केंद्र सरकार को राज्य सरकार अनुरोध करेंगे जे समस्त प्रकार टैक्स टीका एवं मेडिसिन इत्यादि जहाँ कोविड लड़ाई पर दरकार होती छाड़ करने जेहेतु कोविड विरुद्ध जो लड़ाई बर्तमान चलती से गोटे बहुत लंबा लड़ाई केते दिन चलो बर्तमान जाना ना। यही परिप्रेक्षी में केंद्र सरकार जो सेस एवं सरचार्ज सब वसूल करमाउंट्रु विभिन्न राज्य सरकार को आर्थिक सहायता जोगाई देवाई राज्य सरकार केंद्र सरकार को अनुरोध करेंगे यादारा राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ कम टिकस छाड़ एवं सरचार्ज एवं सेस रु जदि आर्थिक सहायता मिल राज्य सरकार मानक आर्थिक बोझ कम कारण विशेषतः राज्य सरकार वर्तमान
बहुत अधिका टंका खर्च करछन्ते पेशेंट मन को ट्रीटमेंट पे वैक्सीनेशन पे एवं ऑनलाइन एक्टिविटीज पे। राज्य सरकार जहाँ संबल दरकार कोविड विरुद्ध लड़ाई करने समस्त संबल विनियोग करी कोविड पेशेंट मन को ट्रीटमेंट करिबा एवं टीकाकरण ये सब करने राज्य कैबिनेट राज्य सरकार को अनुमति देले। ए अवसर रे राज्य कैबिनेट कोविड नियमावली एवं सठिक भाव कोविड नियमावली यथा सठिक भाव समस्ते मास्क पिंधिबा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिबा अजथा गहली जगह को नजिबा एवं हाथ धोइबा एवं घर भितर रहिबा एवं निहाती दरकार न पड़े घर बाहर को नजिबा पई समस्त राज्यवासी को अनुरोध करछन्ते एवं आशा करछन्ते कैबिनेट रो जो निष्पत्ति निहायछि आजि एवं तांकर अनुरोध को राज्यवासी समस्त ग्रहण करिबा। एतद् व्यतीत आज आउ किछि गुड़िया प्रस्ताव कैबिनेट को आसला एवं तह मध्ये अप्रूव होइछि ता समस्त को प्रेस नोट माध्यम रे जानि दिया जइबो। धन्यवाद।